जी, मेरा नाम हैदा मंसूर है और मैं श्रीनगर जमानसर की रहने वाली हूँ। जी, मेरी जो जर्नी है वो 2016 से स्टार्ट हुई है। दैन फिर 2017 से मैंने इसके कोर्सेज जो है वो स्टार्ट किए हैं। बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस MOI, स्पेशल माउंटेनियरिंग कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग कोर्स और स्कीइंग कोर्स और बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स भी किए। उसके बाद जो है मैंने एवरेस्ट के लिए अप्लाई किया तो मेरे इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं मेरे इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि जब भी हमारा जब कोर्सेज चलते थे तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा लगेज लेकर जाती थी, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को एक जो है मेरा ड्रीम है माउंट एवरेस्ट का, वो मैं एक दिन अचीव करूँगी, तो इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा लगेज लेकर जाती। देन फिर जब मैंने अप्लाई किया एवरेस्ट के लिए कुछ कंपनियों के पास, तो उन्होंने बोला आप एलिजिबल हो। उसके बाद जो मेरे इंस्ट्रक्टर रहे थे मेरे इंस्टीट्यूट्स में, तो मैं वहाँ पे उनसे राय लेने के लिए गई, तो उन्होंने बोला जी हाँ आप तैयार हो उसके लिए, आप जा सकते हो। उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग स्टार्ट की, क्योंकि मैं पहले गई थी स्पॉन्सरशिप के, तो स्पॉन्सरशिप नहीं मिली मेरे को। फिर मैंने किटो एक ऑनलाइन ऐप है उससे क्राउड फंडिंग स्टार्ट की। उसके बाद वो एक वो आर्टिकल देख के ग्रेटर कश्मीर के जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने वो आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर पे दिया, उसे देख के TCI मैक्स श्रीनगर जो है उन्होंने आगे पाँव बढ़ाया, आगे पैर बढ़ाया और उन्होंने बोला कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, तो उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया। उसके बाद मेरे को JK टूरिज़म यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एंड JK स्पोर्ट्स काउंसिल ने स्पॉन्सर किया। DC श्रीनगर साहब ने मेरी मदद की, DRG CRPF ने भी मेरी हेल्प की। उसके बाद ज़ैफ्रॉन ड्रिंकिंग वाटर ने भी मेरी हेल्प की, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट किया। कितना स्ट्रगल आया? बहुत करना पड़ा, बहुत कुछ सुनना भी पड़ा सोसाइटी से, खासकर कि एक लड़की है ये पागल हो गई है, क्या अकेले जाती है लड़कों के साथ ट्रैक पे। मैं कश्मीर में क्या करती थी, कोई लड़की नहीं आती थी तब, तो मैं अकेले लड़कों के साथ कैंपिंग के लिए चली जाती थी। नाइट का ट्रैक होता था, मैं चली जाती थी, बस मेरे साथ मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। तो फिर ये जर्नी बहुत मुश्किल थी, फिर एट लास्ट मेरे को जो स्पॉन्सरशिप मिली, मेरी जो फ्लाइट थी पहले वो 2 तारीख को थी, 2 अप्रैल को, तो लास्ट मौके पे ही मेरे को जो है जो JK टूरिज़म है स्पोर्ट्स काउंसिल यूथ सर्विस ने बोला कि हम लोग स्पॉन्सर नहीं करेंगे, तो फिर जो मेरी फ़्लाइट है वो मेरी कैंसिल हो गई। उसके बाद ये हुआ कि 5 तारीख को शाम को मुझे फिर से कॉल करते, हम आपको वापस पैसे देंगे, तो हम आपको फिर से स्पॉन्सर करेंगे, आप चले जाओ। उसके बाद मैंने इमरजेंसी टिकट 6 तारीख को की। फिर जब मैं 6 तारीख को नेपाल पहुंची, तो वहां पे मेरे को बस 3 या 4 घंटे मिले शॉपिंग के लिए, क्योंकि देर हो चुका था, 4 दिन मैं लेट पहुंची बाकियों से वहां पे। तो वहां पे भी मेरे को ही पहले स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वहां पे जो सारी चीज़ें आपको सामान लेना पड़ता है आप वैसे आराम से ले सकते, फिर 2 घंटे में आपको क्या लेते वहां पे, तो वो मुश्किलें भी मेरे को पार करनी पड़ी। उसके बाद जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जब 22 मई को समिट किया, जब वहाँ से मैं वापस आई, जब कश्मीर वापस पहुँची, तो कंट्रोवर्सी ऐसे हो रहे थे। 5 मेंबर्स थे, तो उनमें हम मैं 5ों में से एक की डेथ हुई, जिसका नाम था अंजलि कुलकर्णी। वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी, शरद कुलकर्णी और अंजलि कुलकर्णी, तो उनकी जो वाइफ है वो साउथ समिट के नीचे बालकनी में उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ एग्जॉशन की वजह से, ऑक्सीजन जो है उनका ख़त्म हो गया, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, क्योंकि जहाँ पे 6 घंटे निकलते सिलेंडर को, तो वहाँ पे 8 घंटे 9 घंटे नहीं निकल सकते थे, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर जब मैं वापस आई, उसके बाद मैंने ज़्यादा स्ट्रगल मैंने कश्मीर में आके किए है। यहाँ आई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी कि इसने कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, ये लड़की हो के, मतलब बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि लड़कियों के ऊपर ज़्यादा उंगलियाँ उठाई जाती हैं। उसके बाद जब भी क्लियरनेस इनको नेपाल से फिर से आई, इस लड़की ने सबमिट की है, तब सब लोग मेरे साथ खड़े हुए अभी भी। बट जब इंसान पे मुसीबत आती है ना, तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहता। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा है आपको इस जर्नी में? मैं वही बोल रही, बस मेरे साथ मेरे फैमिली का सपोर्ट रहा है और मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनका सपोर्ट रहा है लाइफ में, और क्लैश ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग क्लब का हमेशा सपोर्ट। घर वालों ने कैसे आपको अलाउ किया लड़कों के साथ, अगर इसमें ज्यादा लड़की ज्यादा है? 3 बहनें, हमारे कोई भाई और मैं जो मैं बीच वाली बहन हूँ, तो मैं हमेशा लड़कों की तरह होती थी, मतलब मैं बॉयज कट हमेशा मेरा रहता, मेरी KVS में CBSE में ना स्कूलिंग हुई है, तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स की ओर ज़्यादा ध्यान देती थी। हालांकि मैं नहीं, हम 3ों बहनें, इवन मेरी जो छोटी बहन है वो इंटरनेशनल 3 बार रही है मार्शल आर्ट्स में, तो हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, बस पेरेंट्स हमेशा हमें सपोर्ट करते रहे, ताकि हमने कभी भी उनका नाम ख़राब होने नहीं दिया,
जैसे होते ना पेरेंट्स का ये होता है कि मैं भेज रहा अपनी बेटी को भरोसे से, भरोसा नहीं तोड़ना, तो बस हमने वही भरोसा हमेशा कायम रखा और हमेशा अपनी सक्सेस की ओर चलते गए। कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है मगर प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब इस पर आपका क्या कहना है कि गवर्नमेंट से आपको क्या अपील रहेगी? मेरी अपील ये रहेगी अगर गवर्नमेंट कोई इवेंट करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो कोई इवेंट, वो क्यों नहीं पुअर बच्चों को लेते हैं उसमें, वो क्यों उन लोगों को लेते नहीं जो अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं? मैं चाहती हूँ जो पुअर बच्चे हो उनके लिए एक स्पेशल कोटा हो ताकि वो भी अपने जो ड्रीम है, क्योंकि हमसे ज़्यादा पुअर बच्चों के अंदर टैलेंट है वो बाहर नहीं ला पाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को उनको एक अलग सा पैकेज दे ताकि वो बच्चे भी अपना नाम